हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी टाइम हो गया है सुबह के 5:30। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं एक रिवर पर जो मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम जा रहे हैं और साथ में किसके साथ जा रहा हूँ मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ब्लॉग पर बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फाइनली दोस्तों, हम आ गए हैं रसलपुर की महिसागर रिवर पर। बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू पॉइंट है और अब पीछे है रिवर। पार्किंग हमने उस साइड पर की थी और पार्किंग के सिर्फ 20 रुपए हुई है पार्किंग की फीस। और साथ में है साहिल और मेरे साथ दो लोग और है। एक है सफवान रीटेक व्यू से, नवीद भाई जिनका नाम है। तो अभी अब हम और आगे जा रहे हैं। इधर हमने फोटो शूट तो कर लिया है तो अब और थोड़ा आगे जाएंगे हम। तो साहिल, कैसी है प्लेस? प्लेस तो काफी बढ़िया है और मॉर्निंग में आप सुबह सुबह आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। और अभी ठंड शुरू नहीं हुई है और लेकिन ठंड लग रही है यहाँ पर। सिटी एरिया में नहीं लगती लेकिन यहाँ पर लगती है और आप व्यू तो देख ही सकते हैं। तो गाइस, अब हमें इस पत्थर पर चढ़ना है और हम वहाँ पर आगे जाएंगे और थोड़े ऊपर, जैसे कि वहाँ पर वो लोग हैं। और इधर पानी सभी जगह पर है, थोड़ा बहुत बारिश में पूरा भर जाता होगा। और आप व्यू देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब चढ़ते हैं इस पर और आगे जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा लगा है आने में। काफ़ी ज़्यादा अंदर है और रोड भी ठीक ठाक है यहाँ पर अंदर के। तो आप भी आए तो ज़रा देख कर आए। और हम पहला हमारा प्लान था बाइक पर आने का लेकिन फिर हमने कार में ही आ गए हैं हम। तो चलिए अब जाते हैं आगे। यहाँ से देखिए गाइस, वहाँ से पानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रहा है। चलिए अब दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, आपको दिख रहा होगा पानी वहाँ से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है लेकिन इधर शांत है पानी। तो इधर काफ़ी ज़्यादा गहरा होगा इसलिए पानी की आवाज़ भी नहीं आ रही है, लेकिन उस साइड पर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी पानी की। तो गाइस, मैं अब आपको दिखाता हूँ व्यू, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ। तो ये पूरी महिसागर रिवर है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और वहाँ पर है सनराइज। और इस साइड पर पेड़ ही पेड़ है पूरे एरिया में। और यहाँ पर चल रही है फोटोग्राफी। तो गाइस, मेरे साथ है सफवान रीटेक व्यू के, जो यूट्यूब पर चैनल है इनका भी। तो आप अगर आपको टेक में इंटरेस्टेड हो तो आप इनका चैनल विजिट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम आ गए हैं सबसे ज़्यादा हाइट पर है ये जगह और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ में है साहिल। क्या चल रहा है? योगा भी चल रहा है साथ में। कितने बजे उठा साहिल तू? 4 बजे उठा। और गाइस, पानी उस साइड से लेके इधर से जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। ये देखिए गाइस, यहाँ पर कितना शांत पानी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गहरा होगा ये। तो गाइस, ये जो प्लेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और फोटोग्राफी के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके पास DSLR या फिर सोनी का कोई भी कैमरा हो तो वो उससे और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आएगा फ़ोटो। इसका नाम है रसलपुर व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अभी हम आ गए हैं रिवर के पास और यहाँ पर पानी है काफी ज्यादा फोर्स में बह रहा है। तो इस वहां से आए हैं हम, आपको दिख रहा होगा साइड से आए हैं हम। और अभी टाइम हो रहा है 8:10 और ये देखिए पानी इतनी फोर्स से आ रहा है।
और गाइस ये दो पार्ट पड़ते हैं, एक साइड ये है और दूसरी साइड से यहाँ से आता है पानी और यहाँ पर होकर जॉइंट हो जाता है। तो गाइस अब यहाँ से हम जा रहे हैं और इधर आपको अगर स्टे करना है तो इधर एक सामने है रिसोर्ट, तो वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन प्राइस मुझे भी नहीं पता। तो अब जाते हैं कार में और देखते हैं। इस व्लॉग तो छोटा सा ही बना है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है ये। फाइनली हम आ गए हैं हमारे घर। और अगर आप वडोदरा या फिर अहमदाबाद सूरत से रहते हो तो आप आ सकते हो और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है जैसे मैंने आपको बताया। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर।